बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के बबर का नाम से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हैं आप सब खैरवाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, आम बड़े ही मीठे मीठे बाज़ार में आए हैं। आज मैं आम के दो तरह के शेक बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने आम ले लिए हैं, तकरीबन एक किलो आम। आपने वो लेने हैं जिनके धागे ना हों, जड़े ना हों। तो एक तो बिल्कुल सिंपल शेक बनाऊँगी और दूसरा मैं बनाऊँगी क्रीमी बादामी शेक। तो चलिए शुरू करते हैं। आम को मैं छील के पील ऑफ करके, तो इसको मैं क्यूज़ में कट करके फिर मिलते हैं। यहाँ पर आम सारे छील के मैंने उनका गुदा निकाल लिया। यहाँ पर मैं सिंपल शेक बनाने लगी हूँ, मैंगो शेक। उसके लिए मैं पल्प डालती हूँ ग्राइंडर जग में, मुझे जितना चाहिए एक ग्लास के लिए। वन टेबल स्पून इसमें शुगर डालेंगे और थोड़ा सा दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। हाफ ग्लास दूध इसमें और डालेंगे और इसको फिर से ग्राइंडर चलाएंगे। अब यहाँ पे एक प्यारा सा ग्लास लेंगे, उसमें डालेंगे आइस क्यूब्स ढेर सारी। अब डालेंगे इसमें शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसी जग में हम बनाते हैं क्रीमी बादामी शेक। तो बच्चों के लिए बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी ड्रिंक है, ज़रूर बना कर दें। अब इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून शुगर, तकरीबन पाँच से सात इसमें बादाम डालेंगे। मैंने बादाम पाँच छः घंटे भिगो के रखे हैं, फिर इसको छील के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। वो डालेंगे, ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे वन टेबल स्पून भर के, और क्रीम डालेंगे फ्रेश टू टेबल स्पून। इसमें डालेंगे दूध और इसको करेंगे ग्राइंड। शेक हमारा तैयार है। अब ग्लास में क्यूब्स डाल के तो अपना शेक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखेंगे माशाल्लाह से बादामों के साथ। ये फुल ऑफ एनर्जी शेक है, बच्चों को दें गर्मी में, उनकी एनर्जी बहाल हो जाएगी। सारा दिन छुट्टियां आजकल भागते खेलते हैं, तो ये ज़रूर बना कर दें। तो ये मेरे मज़ेदार से दोनों शेक तैयार हैं। तो देखें, ये बादामी शेक है, क्रीमी बादामी शेक, और ये सिंपल शेक है, झटपट से दोनों तैयार हो जाते हैं। तो ये थे बहुत ही आसान से और सिंपल से शेक, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करें, कमेंट्स भी लाजमी किया करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।